हे हेलो फूडीज, कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें है ना और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ची ऑन फ्लेम। तो चलिए, ये तो हो गई सब्सक्रिप्शन की बात, तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनने वाले बच्चों के फेवरेट चॉकलेट कपकेक्स बनाएंगे, जो कि टेस्टी के साथ साथ इतने मॉइस्ट और स्पॉन्जी होते हैं कि एक बार खाने के बाद आपको बार बार उसे खाने का मन करेगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, और वो भी बिना स्किप किए। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट कपकेक्स। सो गाइस, यहाँ मैंने ये एक बड़ा बोल लिया है, तो पहले हम ड्राई मिक्स बना रहे हैं। तो हम स्ट्रेनर लेंगे और उसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा, बोले तो प्लेन फ्लोर। इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। देन हम स्ट्रेन करेंगे कोकोआ पाउडर, जो कि मैंने 1/3 कप लिया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा या फिर मीठा सोडा भी बोल सकते हैं। गाइस, यहाँ हम कपकेक्स ओनली बेकिंग सोडा यूज़ करके ही बना रहे हैं, इसलिए हमने वो 1 टीस्पून लिया है। अब देखिएगा, बिना बेकिंग पाउडर के भी ये कपकेक्स बहुत स्पॉन्जी बनेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देन हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, यानी कि सॉल्ट। बिल्कुल हल्का सा सॉल्टी टेस्ट विथ स्वीटनेस है ना, बहुत अच्छा टेस्ट लाता है कपकेक्स में, तो इन्हें भी छान लेते हैं। सो लास्टली इसमें हम डालेंगे ग्रैनुलेटेड शुगर, मतलब शुगर पाउडर हम यहाँ नहीं यूज़ कर रहे हैं, साबुत चीनी या शक्कर हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाइस, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऑलवेज छान करके ही यूज़ करें, जिससे इनमें अगर कोई लम्प्स हो तो स्ट्रेनर में ही रह जाते हैं, अदरवाइज़ बाद में लम्प्स के साथ बैटर को हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ये ड्राई मिक्स रेडी है, इसे साइड में रख देते हैं। एंड अब बारी है वेट मिक्स बनाने की, तो एक बोल लेते हैं वेट मिक्स के लिए। और इसमें हम लेंगे पानी 1 कप, यानी कि 250 ml, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर लिया है हमने यहाँ पर। इसके बाद ऐड करेंगे वेजिटेबल ऑयल 1/2 कप। मैं अनफ्लेवर्ड ऑयल ही प्रेफर करती हूँ केक्स एंड कपकेक्स के लिए। और इसी के साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून वनीला सेंस फ्लेवर के लिए। अगर आप चॉकलेट असेंस यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्टली ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून विनेगर, एंड अच्छे से मिक्स कर लें। तो दोनों मिक्स रेडी हैं, तो बस अब ड्राई मिक्स में इस वेट मिक्स को डाल देते हैं। एंड बिल्कुल हल्की हल्की हाथ से हम बैटर को बीट करेंगे, ताकि जो ग्रैनुलेटेड शुगर हम इसमें हमने डाली है वो बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ हमको बैटर को बहुत आराम आराम से बीट करना है, ज़्यादा तेज़ तेज़ नहीं करेंगे, बस बिल्कुल वैसे जैसे मैं कर रही हूँ। तो देखिए, शुगर प्रॉपरली मिक्स हो गई है बैटर में, एंड ये कंसिस्टेंसी रखना है हमें बैटर की, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो चलिए अब इन्हें कपकेक्स मोल्ड में डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ ये सिलिकॉन मोल्ड यूज़ किए हैं, हमें सिर्फ 3/4 ही फिल करना है, क्योंकि जब ये बेक होंगे तो ये रेज होंगे, फूलेंगे, तो ज़्यादा ना भरे। ओके, ऑल फिल्ड। अब इन्हें अच्छे से टैप कर लेते हैं, ताकि एयर बबल्स ना रहे इनमें। तो इन्हें रख देते हैं बेक होने के लिए। इन्हें बेक करेंगे 20-25 मिनट्स के लिए प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर। गाइस, अगर आपको अवन प्रीहीट करना नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी वीडियो का लिंक शेयर किया है कि कैसे हम अवन को इजीली प्रीहीट करते हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप ये पेपर कप किक्स आते हैं, जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं उनकी जगह पर।
हमें इन्हें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली ही हम इनमें बैटर पोर करते हैं। तो बचे हुए बैटर को हम इसमें पोर कर देंगे, ये जो पेपर कपकेक्स हैं। तो देखिए कपकेक्स काफ़ी अच्छे से बेक हो गए हैं। मुझे इन्हें बेक करने में 25 मिनट्स लगे हैं, तो मैं आपको टूथपिक से एक बार चेक करके बताती हूँ। तो इससे एक कपकेक में डालते हैं, ये देखिए ये टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है, इसका मतलब कि कपकेक्स अच्छे से बेक हो गए हैं। अगर इनमें हल्का सा भी बैटर लगा हुआ बाहर आए, इसका मतलब आपको थोड़ी देर और बेक करना होगा। ओके, लेट मी डीमोल्ड वन कपकेक। वाओ, देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है ये। चलिए आइए इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितना मॉइस्ट और स्पॉन्जी है ये अंदर से। बिलीव मी गाइस, इस कपकेक को ट्राई करके ज़रूर देखिए, ये आपको बहुत टेस्टी लगेंगे और आप इन्हें बाहर से लाना बंद कर देंगे और दूसरी बात एकदम फ्रेश आपको खाने को मिलेंगे। सो गाइस, इस वीडियो की वजह से आपको फ्रेश फ्रेश कपकेक्स खाने को मिलेंगे, तो जल्दी से एक लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बस इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ एंड धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू।